ये हमारे प्रत्याशी हैं महामंत्री पद के, और वो कहाँ गए अध्यक्ष कहाँ गए अपना, और ये हमारा विरोधी अध्यक्ष है, विरोधी नहीं है साथी अपना जो भी है हम लोग साथ साथ काम करेंगे। ऐसा विधानसभा है वो कार मोड़ रहा है। इलेक्शन में जाने के लिए हमने भैया तेल वेल पड़वा रहे हैं गाड़ी में, और बरेली से हम निकल गए। अभी आनंद है, अभी और सब लोगों को साथ साथ लेना है, तो अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, और लगभग 5-6 बज रहा है, निकलने वाली है। हाँ लीजिए भैया, अब हम लोग निकल रहे हैं डायरेक्टेड लखनऊ और परिवार कल्याण सांखी सेवा संघ के इलेक्शन के लिए। हम अध्यक्ष पद के लिए तैयार हैं अजय पाल सिंह, बाकी आनंद है और पीछे हमारे गुर्गे बैठे हैं, श्रीपाल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गुर्गे बैठे हुए हैं, एक एक राइफल भी है साथ में। अब हम लोग बाहर निकल लिए, और ये देखिए हमारा बरेली का त्रिशूल, त्रिशूल हवाई अड्डा यहीं पे है। तो निकल जाते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भैया देखो हम लोग खा रहे हैं तेलहर के पास, बहुत भड़ासु समोसा है, जब भी आप तेलहर आओ तो ये समोसा जरूर खाओ और मज़ा आ जाएगा, और बड़ा मस्ती में चल रहे हैं हम लोग। इलेक्शन क्या मतलब, एक बस मज़ा है, और देखिए ये और अपने चेले चपाटे जो साथ में पीछे बैठे हुए आप देख रहे होंगे उन सबको खिला पिला रहा हूँ। एक बुड्ढा चेला हमारा और चेले चपाटे हैं, बस अपने खिला रहे हैं। देखो भाई इन्होंने खिलवाए समोसे, तो हम लोग मस्ती करते हुए बस निकल रहे हैं। देखिए हाईवे का मजा बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का। और भैया अब हम लोग लखनऊ तक पहुंच रहे हैं, और गाड़ी हमारी बहुत तेजी से रपटती चली आ रही है 110-100 की स्पीड पे। लाइट वाइट जल रही हैं, वाह मैरियट मैरियट की बात मत करो, पहले दूरदर्शन केंद्र पहुंचोगे, अंदर घुसोगे तभी वही अंदर जा गए लो, वही विधानसभा पहुंच गए। चलिए भाई हम लोग होटल मैरियट में आ गए और एंट्री करा रहे हैं। लो भाई हम अब पहुंच गए होटल में, और हैं इसका नाम क्या पूरे होटल का, मैरियट मैरियट में पहुंच गए, और चाय वगैरह बनाते हैं, वही चाय वाय पी रहे हैं होटल में। और लोग पड़ोस की होटल में कमरे में है, चाबी वही है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा होटल। और इधर विक्रम सिंह है, धर्मेंद्र, हाँ यही चाबी, चलो आओ भैया बंद करेंगे ना। अब जरा दोस्तों की हाल चाल पूछ लें। हाँ अरे हाँ गूगल आओ वो वाली है। लो भाई यहीं से चलती है पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सामने भैया राजविंदर के पास। हाँ लो भाई साथी बैनर लगवा रहे हैं हमारे। हाँ चलो भाई ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग रुके हैं, इधर चलने फिरने का, ऊपर जाने का, नीचे जाने का लिफ्ट लगी हुई है, और ये और देखो खूबसूरत सा म्यूजिक बज रहा है यहाँ पर। हाँ और ये हम लोगों का कमरा गैलरी, और विक्रम तैयार हो रहे हैं, ये देखिए बाथरूम किचन कह रहा हूँ, बाथरूम में रहने का लैट्रिन बाथरूम, और ठीक है कुल मिला के ठीक है। क्यों भाई और ये बढ़िया अच्छा है ठीक है। अब फिर हम लोग जब बस जा रहे हैं उधर, हम धर्मेंद्र वगैरह रुके हुए और भी लोग रुके हैं। हाँ अभी बस चलने निकलना, तो देखते हैं ये लोग तैयार हैं रेडी हैं, फिर हम लोग निकलते हैं जहाँ चुनाव हो रहा है। हाँ भाई हो गए तैयार, रेडी रेडी, वाह हीरो बन गए भाई धर्मेंद्र, और आनंद भी तैयार, सब तैयार, चले भाई ठीक यहाँ से टेक ऑफ करना है। हाँ बस अब फाइनली चलना है, निकलना हम लोगों को वहीं जहाँ चुनाव हो रहा है। चलो भैया हम लोग अब विदा हो रहे हैं,
थोड़ी देर में विदा होंगे, निकलते हैं वहाँ पे जहाँ इलेक्शन हो रहा है। और अरे भैया यार उसका वो लग गया अंदर, टिकट अंदर रह गया 201 का, अभी आ रहे हैं। लो भाई कुछ इस तरह का हमारा होटल है, होटल मैरियट। हाँ तुम तो हो यार। सेल्फी ले रहे हो? लो भाई साहब सेल्फी लो, आ जाओ। भूखे यार इतना कौन खाएगा। ये इनका बुफे है, हमारी विधानसभा है दोस्तों, जहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश का शासन चलता है। आगे से आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी यहीं रहते हैं, बैठते हैं, रहते हैं यहीं से सारे निर्देश आदेश पारित होते हैं। भटूरे बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तुम चलो सही बेधड़क हो गए, तुम्हें दारू सभा दिखा रहा हूं। चलो देखते हैं शुद्ध शाकाहारी। चलिए भैया हम लोग यहाँ उतर रहे हैं, नाश्ता पानी करते हैं, नाश्ता कर ले जरूरी है, फिर दिन भर कुछ खाएंगे। अरे प्रसाद क्यों रखा है यार? ये चाय की दुकान भैया बहुत जबरदस्त है। अभी नवाज हाँ जी आगे हाँ क्या क्या वैसे आप कुछ फेमस ये होगी भैया शर्मा जी की चाय में भीड़ आए बहुत, अब अपने पास टाइम कम है, शर्मा जी चाय फिर कभी पियेंगे। हाँ भाई शर्मा जी की चाय पी लेते हैं इधर। चाय तो पी आया, चाय चाय बंद समोसा पांच समोसे हाँ समोसे पांच बंद हाँ आओ आओ कहाँ गए आओ इधर आओ इधर घेर लो जगह वो है तो समोसा बंद खाते हैं वो कहते हैं पांच समोसे पांच बंद और पांच चाय उधर में लगाया पेपर वाले से चाय जैसे लगा दो ला 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 यहाँ दो पांच पांच ले वो बंद समोसे आ गए शर्मा जी के, एक फेमस है एक फीकी है चार मीठी त्रिपाल हाँ हो गए भैया। यहाँ के बंद समोसे खाते हैं, देखते कैसे हैं क्या स्वाद है, बहुत भीड़ लगी हुई है। चाय आ गई और बहुत मस्त चाय है, बहुत बढ़िया, और ये समोसा ही बहुत बढ़िया इनका। वाह चाय पी ली भैया सब लोगों ने, अब चाय पी के निकलते हैं स्थल पर। डिप्लोमा इंजीनियर संघ है हम लोग निकल लिए चुनाव स्थल की ओर और अभी भी फॉर विक्ट्री आठ बजे देखते हैं आप पौने नौ हो गया। हम लोग विधानसभा मार्ग पे चल रहे हैं इस समय और अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। लास्ट में बोलो मंदिर के बाद पहुंचा यार, रात भर भटकते रहे, अब देखिए कितना करीब है नहीं? और वैसे गाड़ी से होते तो रात में भटकते ही नहीं। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल सही पहुंचते भटकते क्या नहीं, लेकिन अंदर ही ले लें अंदर ही ले लें आगे से जरा बंद ले दे बोल दे अभी ये बनर ना रह गया। ये भैया हॉल है जहाँ पे अधिवेशन होना है और यहाँ पे हमारे जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे वो बैठेंगे और बहुत शानदार हॉल है। और ये हमारे प्रत्याशी हैं महामंत्री पद के और कहाँ गए अध्यक्ष कहाँ गए अपना, और ये हमारा विरोधी अध्यक्ष है
विरोधी नहीं है, साथ ही अपना जो भी है हम लोग साथ साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं पॉलिटिकल भी नहीं है, पॉलिटिक आई गई अपनी ऐसी विचार भी है और भी बात थोड़ी। एक हमारा कहना ये है इलेक्शन है अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। मेरी भी इच्छा हो सकती है कि मैं कैडर के लिए कुछ करूँ, आपकी भी हो सकती है, कोई जीते कोई हारे इससे मतलब नहीं, लेकिन जो जीत रहा है उसकी जिम्मेदारी है फिर सबके साथ सबको साथ लेके चले, और जो हार रहा हार गया उसकी जिम्मेदारी वो साथ चले, सहयोग करे, सहयोग करे, चलो ये करना भी जरूरी है, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है, भी गिले शिकवे नहीं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो हमारे पर्यवेक्षक महोदय आए हुए हैं, तो अंजल जी पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो उनका सर आप लोगों को शुभकामनाएं, चुनाव आपका है और संघ की शक्ति बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुभकामनाएं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और हमारे साथ ही आए हैं, अभी हमारे दूर दूर से साथी आए हुए हैं, बोलेंगे खड़े इस तक मोड़ देंगे, मोड़ कर फिर दोबारा इस तक करके फिनिश कर। सभी पदों के लिए एक ही पर्ची मिलेगी, ये भी बता दीजिए। बता दो सभी पदों के लिए एक ही पर्ची मिलेगी। हाँ ये एक बैलेट पेपर ही, सभी पदों के लिए एक ही बैलेट पेपर इशू है, जारी है, ठीक है। एक उम्मीदवार ना ना एक बैलेट पेपर में सारे उम्मीदवार है। अरे टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है अब चुनाव, कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहा है ना, चुनाव शुरू करा दीजिए आप। वो चलता रहेगा, हम लोग जो सबसे मुख्य मतदाता होता है तो दीप प्रज्वलित किया, वो तो सब फॉर्मेलिटी बाद में कराते रहेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं वो कोई बात नहीं, उनको बुलाएंगे करा देंगे, वो चीज़ अलग है, लेकिन अब तो जो दिखवाते हैं वो आप शुरू करवाते रहो, ठीक है। 11 बज रहे हैं ना, टाइम भी कुछ लोग हो सकता है ट्रेनें हों वापस जाना हो, है ना, बिना खाने खाए हुए चले जाएंगे जरूर। अरे अरे नहीं नहीं खाने की कोई बात नहीं है, आदमी का टाइम का मतलब है, उसकी अगर ट्रेन छूट गई तो उसका दो दिन में खाना बना और हो जाएगा। कई ऐसे हैं जो सोनभद्र के हैं बेचारे परेशान, मेरा मतलब ये नहीं है, 10 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे शुरू करा दो, पंक्चुअल थोड़ा सा लेट हो रहा है। चलो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, जो आए रहे हैं कार्ड निकाल लिए। अधिवेशन की शुरुआत के पहले कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। मैं पर्यवेक्षक साहब मौजूद हैं, सांसदीय प्रसंग के हमारे साथी भाई के बच्चों गंगा जी आजादी पर की कार्रवाई श्री गंगा जी निश्चित महोदय का समाज में जोरदार तालियों से श्री के साथ मैं गंगवार जी से वेदिका जी मंजू जी और जो पदाधिकारी समाज पदाधिकारी हैं कि दीप के भक्त सर्वेक्षक महोदय का साथ दें। पंखा बंद करो, पंखा बंद कर दो भैया। अच्छा पंखा कोई नहीं, हाथ लगा दूँगा अपने
चुके थे। चलिए साहब, दीप प्रज्वलित हो रहा है और हमारे चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, क्योंकि भैया इस विभाग में बड़े बड़े सालों बाद चुनाव प्रक्रिया होती है, उम्मीद है अगले हर दो साल बाद होती रहेगी, तो हमारी इकलौती मार सकती। तुम क्या चुनाव भाभी यारो मत बनाओ भैया, एक ही यारो बहुत है, अपने बच्चों को यारो मत बनाना, चाहे कुछ हो जाए। ना यारो मत बनाना इनको, चाहे इंजीनियर बना देना, प्राइवेट करा देना, बहुत बढ़िया। क्या के लिए मतपेट का? देखो भरी तो नहीं है, घूम जाओ। अच्छा मतपेट का, अरे भर लेगा तो कोई बात नहीं, अपने साथी की तो भरी होगी। लाओ भाई लाओ, मत पेटिका देख ले, दिखाओ भाई दिखाओ, कहाँ है कहाँ है मत पेटिका, ये सब हटा दो, ये सब यहाँ से कहाँ गया भाई, ये सब हटा दो। शीशिल वाला कहाँ गया? अरे तो ये सामने भी दिखा सकते थे। हाँ यहाँ सामने दिखा दो ना, और क्या, सभी लोगों के सामने भी, और यहाँ से ये हटा दो। तो पर्यवेक्षक महोदय जानकारी देते हुए, अरे सर हजरतगंज चौराहा से इसे राइट साइड देखेंगे तो इलाम बोर्ड लगा होगा। आज के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी हैं, लिखा होगा वही, बस सीधे श्री अजय पाल सिंह गंगवार जी सामने आए। हाँ सामने जरा जोरदार ताली बजा दो मेरे लिए। दूसरे प्रत्याशी हैं श्री वेद प्रकाश, वेद प्रकाश के लिए ताली। उपाध्यक्ष पद के लिए हैं श्री अनिल देव पांडे, अनिल देव पांडे के लिए जोरदार ताली। दूसरे प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव नहीं नहीं हम उनका फोटो ले रहे हैं सामने। महामंत्री पद के लिए दो प्रत्याशी हैं श्री भीकम सिंह जी, जोरदार ताली भीकम सिंह के लिए। और दूसरे प्रत्याशी हैं श्री यशवंत कुमार मंजुल जी, मंजुल के लिए जोरदार। और कोषाध्यक्ष के लिए दो लोग हैं श्री आज्ञा राम वर्मा जी, राज विजेंद्र सिंह ताले। और आज के जो संयुक्त मंत्री के पद पर श्री अविनाश जी अकेले कैंडिडेट थे, इसमें चार पदों के लिए वोटिंग होनी है, आपको एक ही बैलेट पेपर मिलेगा, कृपा करके जो आपकी स्टैंप है वो नाम के सामने आप लगाएंगे, ऊपर नीचे खाने में नहीं होना चाहिए, जिस नाम के सामने उसी के सामने स्पष्ट रूप से होना चाहिए, और किसी प्रत्याशी के नाम के अगर सामने दो मोहर लगी होगी तो वो वोट इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए आराम से तसल्ली से देख के आप जिसको पसंद करते हैं जिसको चुनना चाहते हैं उसके सामने एक मोहर लगाएंगे आप। दूसरी चीज, संघ के चुनाव हमेशा संघ की मजबूती के लिए होते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी प्रकार का भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो आपस में बैठ के आप लोग सुलझाएंगे उसको, मेरे ख्याल से ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग वोटिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका बैलेट बॉक्स है, सारे प्रत्याशी देख लें बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी वोट नहीं पड़ा हुआ अभी, और वो जो जिसको बैलेट पेपर मिलेगा उसको अपना आई कार्ड और आपका जो सदस्यता शुल्क है उसकी पर्ची दिखानी पड़ेगी, तभी वो वोट डालने का अधिकारी होगा। मेरे तो सारी स्थिति और हमने पड़ा सब लोग देख लिए, जानकारी निर्वाचन के संबंध में दे दी गई। प्रयोग करें, चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है लगभग, और जो सम्मानित पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं वो एक बार देख लें, पूछ लें अपने साथियों से, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछ लें, क्योंकि समय सभी लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। क्या सदन में पक्के सभी साथियों ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है? आठ उठा के बता दें।
सिर तोड़ रहे हैं। अबे ताला खोल ले। मतों की गिनती हो रही है।